अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का ये मेरा सेकंड व्लॉग है। हमारी मीटिंग शीटिंग थी, मीटिंग तो हमारी डन हो गई है, तो भूख शूख लग रही थी हल्की फुल्की, तो हम लोग आ गए मैकडोनल्ड पे। ऑर्डर शॉर्डर कर दिया था मुमताज़ भाई ने। देखो भाई, देखते हैं क्या मंगवाया है। बर्गर्स हैं, चिप्स हैं, साथ में आई थिंक वनीला शेक्स वगैरह है। मुमताज़ भाई ऐसे देख रहा है भाई। मुमताज़ भाई भूख लगी है भाई, ये लें आप भी खाएँ। टीपू भाई ये लो भाई, हल्का फुल्का भाई। यहाँ पर हम लोग बर्गर शर्गर खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और जगह जाना। आज भी हम लोगों ने मॉल जाना है, मॉल जाके हम लोग थोड़ा इन्जॉय करेंगे आज भी। वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं मिलने के लिए, तो पहले भाई कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं मॉल के लिए और इस व्लॉग को भी करते हैं स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू। मैकडोनल्ड से हमने हल्के फुल्के बर्गर शर्गर खा लिए थे, अब हम लोग जा रहे हैं मॉल। वहाँ पे हमारे दो शोज भी आ रहे हैं, तो मॉल ही जाके शुगल मेला थोड़ा लगा रहे हैं। अरे भाई आपके सामने ये बताओ, टाइम मिला पूरा दिन? देखो पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी थे, अब रात हो गई है, अब थोड़ा टाइम मिला। और आपको पता है पेट्स मार्केट मगरिब के टाइम बंद हो जाती है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आएंगे ना, पक्का आपको किटन्स भी दिलवाऊंगा और बहुत सारे सरप्राइजेज है। मैंने आप लोगों को बताया, मौसम ठीक होता जा रहा है। किटन्स जैसी एक चीज दिलवाओगे क्या? लाइन वो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो कमेंट भर देना कि लाइन लो लाइन लो लाइन लो, तो इंशाल्लाह लेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, कोई सेटिंग सेटिंग बनाएंगे, तो अभी तो फिलहाल हम लोग मॉल जा रहे हैं। फाइनली हम लोग मॉल आ गए। मुमताज़ भाई तो भाई पीछे ही रह गए, उनसे चले नहीं जा रहा था। हमारे दोस्त भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई लोग? ठीक हो? सफर आपका जबरदस्त था यार। बड़े तुर्की वाले के पास जरा चिल मिल करते हैं, आइसक्रीम वाले के पास चले। चलो भाई आज हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम वाले के पास, उसी के पास जाके थोड़ा शुगल वुगल लगाते हैं। अब हम लोग आ गए तुर्की आइसक्रीम वाले के पास। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी वीडियोस देखी हैं यार, लोगों के साथ प्रैंक्स रैंक कर रहे होते हो। बस अब आप आ गए, आपकी बारी है भाई। आप लोगों के साथ करते हो, लेकिन मैं आपके साथ प्रैंक करने वाला हूँ। डन 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 डन। ओ भाई कहाँ रह गया था, कब से इंतजार कर रहे हैं? दर्द कर रही है, इतना इतना खाया तूने ठूंसा है, फिर भी तुझसे कितना हो यार, तो चलना तो पड़ेगा, वजन नहीं कम करवाना तेरा। हो जाएगा यार, ऐसे कैसे हो जाएगा? इसका मैं टोटल लगाता हूँ भाई, सबके साथ प्रैंक करता है ये। कैसी फैन हो, जंगल से आई हो क्या? मेरी बात सुन ले, आप मर्जी करे मेरे पैसे ले लेते, जाओ उधर से।
तो पसंद नहीं करता ना तुम दोनों को। क्यों पसंद करो? शादी करना चाहते हैं। पागल वागल हो गई, कोई ऐसा इरादा नहीं है शादी का। मेरी बात सुनो, शादी की तैयारी मुझे लग रहा है, पहले दो बच्चे हैं तो कम है, मौलवी बुला के लाई। गाइस ये दोनों लड़कियां काफी देर से मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, आखिर बताओ तुम हो कौन? हम आपको पसंद करते हैं, हम आपको प्रपोज करना चाहते हैं। क्यों भाई, मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करता। तो हम तो करते हैं ना। भाई मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है, मुझे लग रहा है तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो। सच सच बताओ, तो फिर आपने आगे क्यों किया मेरे साथ मजाक? मजाक तो नहीं है, मजाक है। सच सच बता दो, किसने भेजा? 10 रुपए दूंगा। फिर क्यों, फिर कितने लोगी? एक बात बताती मैं आपको। एक बात नहीं, तुम्हारी शक्ल 1 रुपए वाली लग रही है, फिर भी मैं वो मुमताज देखो हंस रहे ना। मुमताज मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। इधर आ हबशी सांड, ये क्या किया तूने? सच सच बता। दरअसल बात ये थी, इसने कहा था हम मिलके अनस को पागल बनाते हैं, प्रैंक करते हैं। शुक्र है, देखा मैं बातों में नहीं आया, मेरे को पागल बना था हबशी सांड। मुझे बोलता रहता है ना तू बेइज्जती करता है, आज देखा तेरे कैसा। मेरी बेइज्जती तो नहीं की, मैं तो उनकी बातों में चक्करों में नहीं आया, चुड़ैलों की। अंकल देखेगा ना ये बिलाग, अंकल देखेगा यार, तेरा हिसाब लगेगा घर जाके। तू तो गया बेटा हबशी सांड। देख वैसे एक और इधर आ जा रहा है, जरा इसके साथ खड़ा हो। आप मुझे प्रपोज कर रही थी, ठीक है, वैसे आपकी आप दोनों की जोड़ी जमती है। ये भी हबशी है, आप भी सांड हो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, ये भी हबशी है और आप भी सांड हो। हाँ प्यारा हूँ। नहीं नहीं, इसको पसंद कर लो, मेरा भी कोई चक्कर वक्कर नहीं। मेरी अम्मा ने घर से निकाल दे, मारो दोनों, लड़ाई करो। आप मुझे प्रपोज कर रही थी ना, इसको प्रपोज कर दो। ओए 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 ओए, ये तो होने वाला है भाई मेरे साथ सीन। मुमताज तेरा तो मैं सही का टोटी लगाऊंगा, और तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। ये पार्टी शुरू हुई है, पार्टी शुरू। मेरे साथ तो गाइस बड़ा खतरनाक सीन हो गया, मैंने भाई के साथ प्रैंक किया और लड़कियों ने आके मेरे साथ प्रैंक कर दिया। आप मेरे पैसे लेते तो लड़कियां भी प्रैंक करना करती है, बदला पूरा हो गया ना मेरा। चलो ठीक है, अब मैं आपके साथ प्रैंक करता हूँ, चलो पकड़ के दिखाओ। नहीं प्रैंक नहीं है ये तो, साहब मैं भी पता है ऐसे ऐसे करेंगे। करो करो, पुराना हो गया ना, पकड़ के। अब पता चला इसके साथ में, मैंने अब इसको सही सेट कर दिया, पता चला जान के पकड़ लिया। कौन भाई? जोड़ी जम गई है मुमताज के साथ। अब गाइस हम लोग इन भाई की आइसक्रीम से आइसक्रीम टेस्ट करते हैं। भाई हमें बताओ सबसे अच्छी आइसक्रीम कौन सी है? सबसे अच्छा फ्लेवर मेरा है कुकीज एंड क्रीम, ये वाला है। चल कोकोनट उसके बाद है। चलो सारी थोड़ी थोड़ी टेस्ट करते हैं यार, स्पून दो यार, ये स्पून आ गई। वो ये वाला जी, ये वाला कोकोनट वाला वाकई लेवल का था फ्लेवर। ये वाला भी टेस्ट करते हैं, कुकीज एंड क्रीम, ये कुकीज एंड क्रीम है। ये क्या कर रहे हो? पिस्ता वाला। अब मैं करने वाला हूँ पिस्ता। यहाँ की आइसक्रीम का तो भाई नेक्स्ट लेवल है। सबसे जो ज्यादा मुझे अच्छी लगी है ना, वो कोकोनट लगी है, और सेकंड नंबर पे मुझे चीज केक अच्छी लगी है। इसका भी भाई टेस्ट लेवल का भाई, बहुत मजा आया। अच्छा यार मैंने सुना है पॉपकॉर्न भी आप लोगों के बड़े लेवल के। ओए मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, बना के देना लाइव भाई, लाइव अपने लिए मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न बनवा रहा हूँ। अच्छा आप मुझे ये बताएं आपको फ्लेवर कौन सा चाहिए, स्पाइसी चाहिए या नॉर्मल? ज्यादा स्पाइसी नहीं। फिर इसके बाद हम करेंगे बटर ऐड करेंगे ना? जी जी क्यों नहीं भाई। उसके बाद करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड, ठीक हो गया। और हम आपके लिए इसके अंदर डालेंगे पहले बारबेक्यू फ्लेवर। बारबेक्यू फ्लेवर डन हो गया। देन थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अच्छा कुरकुरे भी थोड़ा सा, पेरी पेरी। ओ भाई अली तो पहले ही उठा के खाने लग गया। एंड देन पेरी पेरी के बाद गार्लिक, मतलब मिक्स फ्लेवर में थोड़ा सा टेस्ट अलग आ जाता है, अलग आ जाएगा। और उसके बाद लेमन वाटर थोड़ा सा ऐड करूंगा आपके लिए। लेमन वाटर आ गया। फाइनली गाइस मेरे स्वीट कॉर्न रेडी हो चुके हैं, अब इसको डाल के दे दे मुझे। ऐसे कप लूंगा, डन हो गया, डन 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 डन। और इसका भी टेस्ट चेक करते हैं भाई, स्वीट कॉर्न का। वाओ नाइस यार, आप खा लो, कैसा टेस्ट? मजे के
इधर दिखाओ, मैं भी तो टेस्ट करूं। अली छोटा का भी नहीं भाई, थोड़ी सी बता। नेक्स्ट लेवल है यार भाई, ये तो बहुत ज्यादा मजे है। हॉल में हम लोगों ने एंजॉय कर लिया, लेकिन भाई हमारे साथ सीन हो गया, गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है, हमारी खुआरी हो गई है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, धक्के लगाने पड़ रहे हैं। चल भाई, हमेशा खुआर किया है, तू है ही खुआर, चल लगा धक्के यार। ये देखो यार, जलील हो रहे भाई अब लोग। ओए सलफ मार, स्टार्ट कर, गियर पे डाल। इधर हम लोग गाड़ी को धक्के लगा रहे, सारे हमें देखने को तो यार। लोगों ने तुझे बहुत रखो है धक्का तुम्हें। इसको इधर खड़ी कर। ओए इधर नहीं, इधर क्या हुआ यार? भाई कोई बताओ यार, गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई। बंदे आ रहे हैं यार, शुक्र है बुलाया यार। जलील साइड पे लाओ यार, अभी इंसान जलील करवा दिया तूने। हाँ तो सही वाली गाड़ी रख अपने पास को। गाइस गाड़ी को धक्के शक्के लगा के हम लोग काफी थक गए थे, गाड़ी ऑटो थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो भाई ये देखो भाई, हो गई फाइनली भाई, हो गई ना फाइनली भाई, शुक्र है गाड़ी स्टार्ट हो गई। थैंक यू सो मच यार भाई, शुक्र है भाई। हम लोग काफ़ी देर से इधर ना सब गाड़ियों को रोक रहे थे, बोल रहे थे भाई हमारी बैटरी ख़त्म हो गई, लेकिन कोई भी भाई नहीं रुका, शुक्र है। एक भाई को हमारे ऊपर तरस आ गया और फाइनली हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और भाई इधर लाहौर में ना मेरी एक आंटी भी रहती हैं, वो 3-4 दिन से मुझे कॉल्स कर रही हैं, बोल रही हैं हमारे पास आओ आओ, लेकिन भाई टाइम ही नहीं मिला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी आंटी के घर। हम लोग आ गए अपनी आंटी के घर। रयान आप कैसे हो? ठीक हो? बिया कैसी हो? अरे भाई इतना ज्यादा बिजी था, आपको पता है अली किडनैप हुआ था, पहले हमने अली को बचाया, फिर इतने सारे काम होते हैं, आगे इधर भाग उधर भाग, मीटिंग्स होती हैं, बस टाइम से नहीं था। मैं पता ही नहीं है, आएंगे इंशाल्लाह। अभी आया तो हूँ, अभी भी हम लोग मीटिंग में जा रहे थे मुमताज भाई के साथ, बड़ी मुश्किलों से। फिर आपने जब बोला ना मामा की तबीयत खराब है, तो मैंने बोला नहीं यार जाके मामा का पता करता हूँ और सब ठीक है ना, इंशाल्लाह हम लोग आएंगे, मेरी मामा भी आएंगी, फिर रुक शुक के जाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं काम शाम से आया था। यहाँ हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स भी आए। कैसे हो? ठीक हो? छोटे छोटे बच्चे अभी तक सोए नहीं हो यार, पूछना था। जी पूछो यार, अब्दुल्ला में बहुत जुल्म हो रहा है यार, उसके कुछ कहने यार, अब्दुल्ला को ढूंढ रहे हैं भाई, मिल ही नहीं रहा, पता नहीं गांव छोड़ के कौन से सिटी चला गया है, उसने नंबर शंबर भी बंद कर दिए, कुछ पता ही नहीं। बहुत यार काम है वो, कभी बाइक देखा यार कल आज, बल्कि मैं तो भूल ही गया गाइस, आप लोगों को बताना, वो अब्दुल्ला को पता नहीं लड़कों ने पकड़ के मारा, शुक्र है वो तो कोई अंकल आ गए, अब्दुल्ला को छुड़वा दिया। अब्दुल्ला को यार बोल दो आप लोग, क्या पता, मैंने इतने सारे सब्सक्राइबर से बुलवाया, आप लोग बोल दो क्या पता। यार वो वहां गया था बाइक वाली दुकान पे, उसके बॉस ने उसको बहुत मारा। अब्दुल्ला को बोलो घर वापस आए यार, उसका व्लॉग देखा था यार, बहुत रो रहा था, मैंने स्टार्टिंग किया था व्लॉग, बहुत ज्यादा रो रहा था यार उसका। आप लोग बोलो अब्दुल्ला घर, अब्दुल्ला भाई घर वापस आ जाओ यार, आप भी बोल दो अब्दुल्ला भाई वापस आ जाओ। अयान बोल यार, अब्दुल्ला घर आ जा, वापस बोल अब्दुल्ला आ जा, अब्दुल्ला घर आ जा, आप भी बोल दो यार। देखो यार सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब्दुल्ला हमारा व्लॉग देख रहा है, तो यार प्लीज घर वापस आ जा। आंटी के घर से फ्री हो गए, काफी ज्यादा थक भी गए, क्योंकि आज मैंने दो व्लॉग्स बनाए और काफी ज्यादा ख्वारी भी हुई हमारी इतनी देर तक, तो हम लोग गाड़ी को धक्के लगाते रहे, मेरी तो हालत टाइट हो गई। हम लोग जा रहे हैं होटल, होटल जाके रेस्ट करते हैं। हाँ मुमताज भाई, भूख शूख तो नहीं लग रही? बहुत ज्यादा लग रही है यार, कितना टाइम हो गया देखो। अरे भाई रात के 12 बज रहे हैं, छोड़, मैं तो बोल रहा हूँ आज कुछ नहीं खा। आज वैसे तूने सब्सक्राइबरों से इतना मुफ्ता मारा है यार, वो हजम हो गया ना, हजम कहाँ से हो गया भाई, चला हूँ पैदल और मॉल लगवाए गाड़ी को तुमने, मॉल में इसने भाई 10 कप आइसक्रीम के खाए, हबशी इंसान माफ कर दो भाई, वो फिर हजम नहीं होते, हजम होते हैं। आज रात को फाका अगर भाई मुझे अभी खाना छाना खाने जाएंगे, 2 बज जाएंगे रात के, दो हम लोगों को जाके काम, मुझे काम शाम भी करना है, एडिटिंग करनी है यार, यकीन करो सर में दर्द हो रहा है, बोला भी कुछ नहीं जा रहा है, बात सुन रहा। मैं कुछ नहीं सुन रहा भाई, और भाई हम लोगों को ना होटल लेके चल, सीधा जाके रूम में रेस्ट करते हैं यार। यार आज अगर मैं भूखा रहा ना, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। नहीं यार भाई अच्छी बात है, सब्सक्राइबर नाराज हो रहे थे, बोलते हैं तो हबशी हमारे क्या बोलते हैं 2 महीने का राशन खा जाएगा, खा जाएगा वो, फिर अजीब बंदा भाई, होटल चल यार रूम में जाके रेस्ट करते हैं। काफी ज्यादा थके हुए थे, रास्ते में हम लोग खाना छाना खाने के लिए नहीं रुके थे, डायरेक्ट हम लोग रूम ही आ गए थे, और भाई मुमताज भाई को तो हैवी वाली भूख लगी हुई थी, मुमताज भाई ने रूम में ही खाना छाना मंगवा लिया। क्या है ये? सब्जी मंगवाई है मुमताज भाई ने। भाई मेरे तो पेट में उड़बुड़ हो रही है भाई, मैं तो खाना छाना नहीं खा रहा, मैंने एडिटिंग शेडिटिंग किया, काफी ज्यादा थका हूँ, व्लॉग को यहीं से एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे नहीं हो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।